लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने थाना मंडी धनोरा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने थाना मंडी धनोरा क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कस्बा धनोरा, गांधी इंटर कॉलेज धनोरा, प्राइमरी कन्या पाठशाला चुचेला कलां, कन्या माध्यमिक विद्यालय चुचेला में बूथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव संबंधी तैयारियों व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसके बाद उन्होंने चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के लिए क्षेत्राधिकारी धनोरा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मंडी धनोरा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समस्त बूथों का भौतिक निरीक्षण करके आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि व मतदान केंद्रों पर सुगम आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्री शीटरों की जाँच कर सक्रिय HS के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों किसी भी प्रकार के मुकदमे के अभियुक्तों के शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करने, गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने, अवैध शराब के निष्कर्षण, ड्रिकी व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनाएं संग्रहित करने व नियमित रूप से पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने व संभ्रांत लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित करने जिससे भयमुक्त वातावरण में मतदान हो सके, जिसको लेकर सभी को निर्देशित किया गया।